बार सोनी एंटरटेनमेंट पर आए इंडियन आइडल सीजन 11 ने बहुत सुर्खियां बटोरी है। अपनी शुरुआत के साथ ही शो में आए कंटेस्टेंट ने शो को जबरदस्त टीआरपी दिलाई है। इस बार शो के सबसे फेमस कंटेस्टेंट सनी हिंदुस्तानी रहे, जिन्होंने शो को सबसे ज्यादा फेमस किया है। शो के साथ साथ सनी को भी जबरदस्त पहचान मिली है। सनी ने इस पूरे सीजन में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। सनी हिंदुस्तानी ने अपने हर गाने पर तारीफें बटोरी हैं। अपनी गायकी के दम पर सनी बॉलीवुड के दो मूवीज में अपनी आवाज भी दे चुके हैं। हाल ही में इंडियन आइडल का विनर बनने के बाद सनी को कई सारे ऑफर्स भी मिले हैं। इनमें से एक ऑफर सनी को टी सीरीज से मिला है। इस बात की जानकारी टी सीरीज के हेड भूषण कुमार ने खुद ट्वीट कर दी है। सनी हमेशा नुसरत साहब के गाने गाते देखे जाते हैं। नुसरत साहब के गानों के चलते सनी यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन सनी के इंडियन आइडल विनर बनने के पीछे एक बड़ी वजह भी है। सनी शुरू से ही दिल से और मेहनत से परफॉर्म करते देखे गए हैं। सनी की इस मेहनत को जजेस, ऑडियंस के साथ ही सेट पर आए मेहमानों ने भी सराहा है। यही वजह रही कि सनी को कई बड़ी सेलिब्रिटीज का सपोर्ट मिला, जो उन्हें जिताने की वजह बना। फिनाले के पीछे कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो चाहते थे कि विनर का खिताब सनी को मिले। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन सेलेब्स के सपोर्ट से सनी जीतने में कामयाब रहे। सनी को कई सेलिब्रिटी ने सपोर्ट किया, जिनमें शो की जज नेहा कक्कड़ के भाई टोनी कक्कड़, हंसी की क्वीन भारती, फेमस सिंगर खान साहब और अपनी सिंगिंग से फेमस हुई स्नेहा शंकर भी सपोर्ट करती हुई नजर आई थी। सभी ने अपने वीडियो में सनी की जीत की बात कही थी। टोनी कक्कड़ की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इंडियन आइडल के सेट पर हूँ। इंडियन आइडल एक ऐसा मंच है जिसने अच्छे अच्छे सिंगर्स हिंदुस्तान को दिए हैं। यहाँ जितने भी कंटेस्टेंट हैं, सब एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन एक बंदा ऐसा है जो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है और वो है सनी हिंदुस्तानी। नुसरत साहब के जो गाने सनी गाते हैं वो लाजवाब होते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने नुसरत साहब का लगभग सब कुछ सनी को दे दिया है। ये इतना आसान नहीं है। वहीं हंसी की क्वीन भारती भी सनी हिंदुस्तानी का सपोर्ट करते नजर आई थी। भारती ने कहा था कि मैं अदरज और सनी को बहुत पसंद करती हूँ, उन दोनों ने काफी स्ट्रगल किया है, इसलिए इन दोनों को ज्यादा वोट करना। वहीं फेमस डीजे खान साहब भी सनी को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि सनी बहुत ग्रेट बंदा है, बहुत बढ़िया गाता है, उस्ताद नुसरत अली खान को मानने वाला है, तो आप लोग सनी को सोनी लिव और firstcry.com पर जाकर वोट कर सकते हैं। जितने भी मेरे फैंस हैं, सपोर्टर हैं, सनी को जरूर वोट करें। आगे उन्होंने सनी के लिए कहा कि ऐसे ही गाते रहो और अल्लाह पाक तुम्हें लंबी उम्र दे और तुम सुकून से रहो। वहीं फेमस सिंगर स्नेहा शंकर भी सनी के सपोर्ट में आई थी और कहा था कि सनी के लिए वोट करें, वोटिंग लाइंस 2 दिन तक खुली है, तो आप सोनी लिव और फर्स्ट क्राई पर सनी को जल्दी जल्दी वोट करिए ताकि वो इंडियन आइडल के विनर बन जाए। सनी हिंदुस्तानी को शुरू से ही सभी का सपोर्ट मिला और सबके सपोर्ट और अपनी मेहनत से सनी ने इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम किया। इंडियन आइडल का खिताब हाथ में आते ही सनी को नए नए ऑफर्स आने लगे हैं। हाल ही में सनी को टी सीरीज से ऑफर मिला है और इस बात की जानकारी खुद टी सीरीज के हेड भूषण कुमार ने ट्वीट के जरिए दी है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।